अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार उस्मान काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से। हम ओवरसीज़ क्लाइंट्स की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर हमने अपना एक नया डिवीज़न कंस्ट्रक्शन के लिए हमने स्टार्ट किया है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया तो आप काइंडली हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम आती रहें। कंस्ट्रक्शन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ रिक्वायर्ड है, ज़ाहिर आपके पास एक प्लॉट है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका प्लॉट किस एरिया में आ रहा है, यानी उसको कौन से बायलॉज लगते हैं। CDA होगा या RDA होगा या कोई भी सोसाइटी हो सकती है। बस सोसाइटीज़ के भी बायलॉज होते हैं, बट मेजरली जो बायलॉज होते हैं वो CDA एंड RDA के बायलॉज लिए जाते हैं। उनके अथोराइज डिज़ाइनर्स होते हैं, जो लोग आर्किटेक्ट होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं जो आपकी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, जो आपके लिए सारी चीज़ें ऑन टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसीजर ये होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी सॉइल टेस्टिंग होती है। सॉइल टेस्टिंग में आपकी लैंड में डिफरेंट जगह पे ड्रिल किया जाता है, उसके नीचे से सॉइल निकाली जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये कितना लोड बैरी कर सकती है। उसके भी अप्रूव लोग होते हैं, जो लोग इसके आपको अप्रूवल्स और टेस्टिंग की प्रॉपर रिपोर्ट्स देते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ स्टार्ट की जाती है। इसके बाद आपके डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें आपने उसकी फाउंडेशन वर्क होता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन के में चला जाता है, फिनिशिंग में चला जाता है। ये तमाम चीज़ें आपको हमारे प्लेटफॉर्म से आपके पास अप्रूवल के लिए तमाम चीज़ें दी जाएंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, आपके पास किस लेवल की कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, ये कंस्ट्रक्शन की टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये आता है, सबसे पहले आपकी लैंड की सॉइल टेस्टिंग होती है। सॉइल टेस्टिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि आपकी लैंड में कितनी स्ट्रेंथ है नीचे, आपको कितनी डीप फाउंडेशन बनानी है, किस तरीके से उसकी फाउंडेशन पिकअप होगी, ये सबसे पहला स्टेप है। तो इसके लिए ऑथराइज कंपनीज होती हैं जो इसके ऊपर वर्किंग करती हैं, जो इसकी सॉइल टेस्टिंग करती हैं। इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये आपके लैंड में आते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, बेस्ड ऑन आपके प्लॉट साइज़ के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ में ये उसको डिग करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से उसकी जो सॉइल होती है वो लैब्स में जाती है। लैब्स में टेस्ट होने के बाद पता लगता है कि आपने इसकी फाउंडेशन कहाँ से उठानी है। तो फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप चले जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन में आगे दो ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट पे आप आ जाते हैं कि आपका लेआउट डिज़ाइन होगा, ठीक है, एलिवेशन का डिज़ाइन यानी, और दूसरा जो आता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में आपके पास आपको वो बताएंगे कि आपकी फाउंडेशन, जो आपने सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट दी थी उसकी बेस पे ये आपको बताएंगे कि आपकी फाउंडेशन में कितना स्टील लगेगा, कितनी आपकी राफ्ट कहाँ पर जाएगी, आपका जो बेस किस किस्म की अपने बेस प्रिपेयर करनी है, ये सारी चीज़ उसके ऊपर है। तो हमारे पास ऑलरेडी हम उन कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट में हैं जो लोग ऑफिशियल अप्रूव्ड सॉइल टेस्टिंग की कंपनीज हैं। तो उनसे जब हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन में, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज़ में आपका एक्सीवेशन का काम आ जाता है। एक्सीवेशन इज़ कॉल्ड फॉर द डिगिंग ऑफ योर प्लॉट, जिसमें आप को बेसमेंट अगर चाहिए या विदाउट बेसमेंट के है, ये फिर जो आपकी डिज़ाइन है उसके बेस के ऊपर उसकी एक्सीवेशन की जाती है। एक्सीवेशन के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उसमें मशीनरी आती है, वो सारी हमारे पास मशीनरीज वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के हम एक्सीवेशन करवाते हैं। उसके बाद फिर हमारी अपनी टीम उसके बीच में जाके लेवलिंग वगैरह करेगी, और उसके बाद उसकी बेस कंप्लीट की जाती है, जिसके बाद में हम लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरे फेज़ में आपका आ जाता है ब्रिक वर्क आता है। ब्रिक वर्क में भी आपकी क्वालिटी ऑफ ब्रिक है कि आप किस क्वालिटी की ब्रिक लगा रहे हैं, किस किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वॉल की थिकनेस आ जाती है उसमें, और इसी तरह से आपका नेक्स्ट फेज़ में फिर उसका प्लास्टर वर्क होता है। उसके बाद इसकी जो फिनिशिंग की साइड पे चले जाते हैं। बेसिकली घर दो फेजेस में तैयार होते हैं। एक होता है जिसको आप स्ट्रक्चरल वर्क कहते हैं, जिसमें आपका ग्रे स्ट्रक्चर होता है टिल प्लास्टर वर्क, और सेकंड फेज़ में आ जाती हैं आपकी फिनिशिंग की प्रोडक्ट। तो फिनिशिंग में फिर आपका पेंट वर्क आ जाता है, फिर सीलिंग का काम आ जाता है, फिर उसके बाद आपके स्टील वर्क आ जाता है, फिर आपकी विंडोज़ के ऊपर आ जाती है चीज़ के विंडोज़ आपको कौन सी एल्युमिनियम की विंडोज़ हैं, आप पीवीसी विंडोज़ आ रही हैं,
जो साउंड प्रूफ होती हैं और हीट ऑब्जर्व कर रही होती हैं वो डबल ग्लेज में आ जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में चीज़ें चल रही होती हैं। इंशाल्लाह हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको साइट विज़िट भी करवाएंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर भी हम आपको विज़िट करवाएंगे और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उनके ऊपर हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। फिर आपका वुड वर्क आ जाता है, फिर आपके उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आपकी जो इसमें मार्बल फ्लोरिंग हो गई, टाइल फ्लोरिंग हो गई, बाथरूम की फिटिंग्स, किचन की फिटिंग्स, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी कॉस्ट मैटर कर रही होती हैं कि आप जितना इसको प्योरीफाई करना चाहते हैं, जितने अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, उस लेवल पे आपके पास इसकी चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाती हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन सारी आपके इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ होंगी। ऑन ईच स्टेप आपको ऑनलाइन वीडियोज़ आपके साथ शेयर होंगी। अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हैं हमारे साथ, साइट्स पे हमारे जो इंजीनियर होंगे, जो हमारी टीम होगी, आपको लाइक जब आपकी छत बन रही है, जब आपकी फाउंडेशन बन रही है, जब उसका स्टील को फिक्स किया जा रहा है, स्टील फिक्सिंग के दौरान आप सारी चीज़ें खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके मुताबिक आपको इंशाल्लाह फाइनल कीज़ आपके हाथ में प्रोवाइड की जाएंगी। और इस चीज़ को एज़ प्रीवियस रिकॉर्ड, हमारी क्वालिटी के ऊपर देर विल बी नो कम्प्रोमाइज़ बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जो चीज़ हम कमिट करते हैं, इससे पहले भी जहाँ पे हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, इंशाल्लाह हमने उनको फुलफ़िल किया है और फ्यूचर में भी हम इसी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।